मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन अवर लास्ट वीडियो हमने क्या देखा था, हमने हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 9 के हमने हमारे तीन पाठ पढ़े थे जो थे न्यायमंत्री, काव्य आराधना और क्या विनाश हुआ जाए। तो यह पढ़ने के बाद यह वीडियो में हम देखेंगे हमारे व्याकरण के विषय। तो इस व्याकरण के विषय पर हम हमारे तीन विषय देखेंगे जो है विलोम शब्द, मुहावरे और शब्द समूह के लिए एक शब्द। तो चलते हैं हमारे व्याकरण विभाग पर। अब हम देखेंगे हमारे व्याकरण के तीन विषय जो है विलोम शब्द, मुहावरे और शब्द समूह के लिए एक शब्द। सबसे पहले हम देखेंगे विलोम शब्द। जैसे हम बोलते हैं विलोम शब्द मतलब एंटोनियम्स, इंग्लिश में हम उसे बोलते हैं एंटोनियम्स। तो विद्यार्थी मित्रों, मैंने सबसे पहले एक सरल भाषा में विलोम शब्द, हम उसका प्रयोग तो करते हैं बट विलोम शब्द होता क्या है, तो एक सरल शब्दों में मैंने इसका मतलब लिखा है कि आखिर विलोम शब्द होता क्या है। जैसे विलोम शब्द मैं बोल रही हूँ कि ये लड़की अच्छी है, दूसरा बोलती है वो ये लड़की बुरी है, तो मुझे उन दोनों में तफावत दिखती है कि एक लड़की कैसी है, अच्छी है, तो उसका विपरीत क्या हुआ, बुरी है। तो ये जो अच्छी और बुरी है वो दोनों क्या है, विपरीत है, उसे हम क्या कहेंगे, विलोम शब्द। आपने वैसे ही कक्षा 8 में पढ़ा ही होगा विलोम शब्द के किसे कहते हैं। तो चलते हैं हम इसके कि विलोम शब्द क्या होता है। एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। क्या होता है विलोम शब्द का मतलब, मतलब एक दूसरे के विपरीत, मतलब इंग्लिश में हम जैसे कहते हैं ऑपोजिट, ऑपोजिट एक दूसरे के विपरीत या उल्टा अर्थ, जो भी शब्द एक शब्द का उल्टा अर्थ अगर बताता है तो हम उस शब्द को कहेंगे विलोम शब्द। जैसे मैं कहती हूँ यह लड़की अच्छी है और यह लड़की बुरी है, तो अच्छी का विपरीत क्या हुआ, बुरी, मतलब इन दोनों में एक दूसरे में क्या हो रहा है, विपरीत या उल्टा अर्थ बता रहा है। और दूसरा मैंने सरल शब्दों में लिखा है जो शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। मतलब जो शब्द कोई दूसरे शब्द का उल्टा अर्थ बताते हैं, जैसे मैं लेती हूँ गरम, यह चाय गरम है, और उसका गरम का उल्टा अर्थ क्या हुआ, यह चाय ठंडी है। तो गरम का उल्टा अर्थ हमने देखा, तो गरम का क्या था, ठंडी। तो इस शब्द से हमें क्या पता चला कि यह एक विपरीत शब्द है, वह विपरीतार्थक शब्द कहता है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ उदाहरण लिए हैं, जैसे अपेक्षा नगद, आय व्यय, आजादी गुलाम, नवीन प्राचीन शब्द एक दूसरे के उल्टे अर्थ वाले शब्द है। तो यहाँ विद्यार्थी मित्रों आप देख सकते हो कि ये शब्द जो हमने देखे थे, जैसे नवीन प्राचीन आजादी गुलाम, यह शब्द क्या थे, एक दूसरे के उल्टे अर्थ वाले शब्द थे। इसमें हम देख सकते हैं कि एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्द है। जैसे हमें आजादी, तो आजादी का क्या हो गया, गुलाम। तो अतः इन्हीं विलोम शब्द कहते हैं। तो यह शब्द जो भी है इन्हें हम क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। तो हमने यहाँ पे हमारी सरल भाषा में देखा कि विलोम शब्द हम किसे कहते हैं। तो विलोम शब्द हम किसे कहते हैं कि जो एक दूसरे के विपरीत हो या एक दूसरे का उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। जो एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताए उसे विलोम शब्द या विपरीतार्थक या विरोधी शब्द भी कहते हैं। तो चलते हैं हमारे कुछ उदाहरण की ओर। उसके पहले, अतः विलोम का अर्थ है उल्टा या विरोधी अर्थ देने वाले। तो हमने क्या देखा कि इसका अर्थ क्या होता है, उल्टा या विरोधी अर्थ देने वाले शब्द। विलोम शब्द अपने सामने वाले शब्द के सर्वदा विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं। विलोम शब्द क्या करते हैं, जो भी सामने वाला शब्द है, जैसे हमने लिया गरम, तो उसका सर्वदा विपरीत मतलब उसका उल्टा ही अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे हमने गरम लिया, तो गरम का उल्टा शब्द क्या होगा, ठंडा। तो विलोम शब्द क्या होता है, हमेशा उल्टा शब्द एक दूसरे के उल्टे शब्द से प्रकट होते हैं। तो अभी हम चलते हैं हमारे कुछ विलोम शब्द के उदाहरण की ओर। जो कुछ मैंने नीचे लिखे गए हैं,
कुछ विलोम शब्द के उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कुछ उदाहरण। जैसे पहला है प्रथम। प्रथम मतलब हम बोल सकते हैं कि इंग्लिश में फर्स्ट, तो उसका विलोम शब्द क्या है? अंतिम। जैसे हम देख सकते हैं कोई भी गेम होती है उसमें एक फर्स्ट आता है और दूसरा लास्ट, तो प्रथम तो उसका विपरीत क्या होगा? अंतिम। दूसरा क्लेश। क्लेश उसका क्या होगा? मतलब झगड़ा और वो सब, तो उसका क्या होगा? विपरीत शब्द शांति। तीसरा है साधारण। साधारण का विपरीत शब्द क्या होगा? असाधारण। चौथा है दुख। दुख का विपरीत क्या होगा? सुख। पांचवा है जीवन। जीवन का विपरीत शब्द होगा मृत्यु। सिक्स्थ वर्ड है सत्य। सत्य का विपरीत शब्द होगा असत्य। जो सत्य बोलता है उसके सामने उसका उल्टा, जो असत्य ही बोलता है। सेवेंथ परदेशी। परदेशी का विलोम शब्द होगा स्वदेशी। एथ अपराधी। अपराधी का विलोम शब्द होगा निरपराधी। नाइन्थ आरंभ। आरंभ मतलब कुछ चीज की शुरुआत, तो उसका विलोम शब्द होगा अंत। टेंथ ईमानदार। ईमानदार का विलोम शब्द होगा बेईमान। इलेवेंथ भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का विलोम शब्द होगा सदाचार। ट्वेल्थ सबल। सबल का विलोम शब्द होगा निर्बल। थर्टीन अमृत। अमृत का विलोम शब्द होगा विष। फोर्टीन सच्चाई। सच बोलना, तो उसके सामने क्या आएगा? उसका विपरीत शब्द झूठ। फिफ्टीन दोषी। किसी को हम दोषी बोलते हैं तो सामने वाला कैसा होता है? निर्दोषी। तो यहाँ पे कुछ हमने उदाहरण देखे, जो मैंने यहाँ पे कुछ उदाहरण आपकी पाठ्य पुस्तक में से मैंने लिए गए हैं। तो अब हम उसके स्वाध्याय की ओर जाते हैं। तो मैंने थोड़े से एग्जाम्पल इसमें लिखे हैं। फर्स्ट निर्मल। निर्मल का होगा एकता, सॉरी फर्स्ट इज एक, तो उसका होगा एकता। सेकेंड इज निर्मल। निर्मल का होगा मलिन। थर्ड इज कोमल। कोमल का क्या होगा? विपरीत शब्द कठोर। कोई चीज कोमल होती है, मुलायम होती है, तो उसके सामने उसका विपरीत क्या होता है? कठोर। फोर्थ है आकाश। आकाश है तो उसका विपरीत शब्द होगा धरती। फिफ्थ सेवक। सेवक का विपरीत शब्द होगा स्वामी। एक सेवक है तो उसका विपरीत होगा, तो उसका यह स्वामी है। सिक्स्थ है आशीर्वाद। आशीर्वाद का विपरीत शब्द होता है शाप। किसी को आशीर्वाद देना और उसका विपरीत होगा यहाँ किसी को शाप देना। सेवेंथ रंग। रंग का होगा बेरंग। एथ गरीब। गरीब का तो आप सबको पता है क्या होगा? अमीर। एथ गरीब। नाइन्थ गलत। गलत का क्या होगा? सही। टेंथ है इच्छा। इच्छा का क्या होगा? इच्छा का होगा अनिच्छा। इलेवेंथ समस्या। समस्या का क्या होगा? समाधान। कोई भी समस्या है उसका विपरीत होगा समाधान करना। ट्वेल्थ है संतोष। एक जने को संतोष है तो उसका विपरीत क्या होगा? असंतोष। फोर्टीन्थ दूर। दूर मतलब सॉरी उससे पहले थर्टीन अंगार। अंगार का होगा विपरीत शब्द ओला। फोर्टीन्थ दूर। दूर का होगा निकट। फिफ्टीन्थ रोगी। रोगी का होगा विलोम शब्द निरोगी। यह था हमारा विषय विलोम शब्द। विलोम शब्द जैसे हमने पहले भी हमारी कक्षा 8 में पढ़ा ही था, मतलब हमने विलोम शब्द में क्या देखा? वह शब्द जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जो एक दूसरे का उल्टा शब्द बताते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? विलोम शब्द। उसके बाद हम चलते हैं हमारे दूसरे विषय पर। हमारा दूसरा विषय है मुहावरे। मुहावरे का अर्थ होता है idioms। जैसे हम हमारे इंग्लिश में ही पढ़ते हैं कि idioms।
मुहावरे। अभी हम देखेंगे कि मुहावरा क्या होता है, मुहावरा हम किस लिए उपयोग करते हैं। मुहावरा हम हिंदी भाषा में उसके उपयोग करते हैं ताकि हम क्या करते हैं, अभी धीरे धीरे क्या होने लगा है कि अभी हम जो भी भाषा बोलते हैं अभी उसको क्या कठिन भाषा को हम सरल भाषा करने के लिए और हमारी भाषा में सरलता लाने के लिए हम मुहावरे का उपयोग करते हैं। यहाँ पर भी बच्चों मैंने परिचय और मुहावरा किसे कहते हैं वो इसके बारे में कुछ लिखा गया है, मैंने लिखा है। तो अब हम पर चलते हैं परिचय पर कि मुहावरा हम किस लिए उपयोग करते हैं, मुहावरा हमें क्यों आवश्यक है मुहावरे का उपयोग करना। तो मैंने कुछ लिखा है उसके बारे में। प्राचीन काल में मनुष्य सीधी और सरल भाषा का प्रयोग करता था। प्राचीन काल में क्या होता था, मनुष्य जो भी है वह एकदम सरलता भाषा के साथ अपनी बोली का उपयोग करता था। धीरे धीरे उसकी भाषा में सरलता और रोचकता आने लगी और धीरे धीरे क्या हुआ, उसकी भाषा में सरलता आने लगी, वह कुछ अनोखी भाषा का उपयोग करने लगा जिसको हम क्या कहेंगे, मुहावरे। और वह यह बात को सीधी तरह ढंग से कहने लगा। भाषा में अनोखापन लाने वाले प्रयोगों में मुहावरों का प्रमुख स्थान है। मुहावरे के प्रयोग से भाषा सुंदर और प्रभावशाली बनती है। तो मुहावरा हम जहाँ पे भी उपयोग करते हैं और उसकी भाषा से क्या होता है, एक अच्छी भाषा, एक सुंदर भाषा और प्रभावशाली भाषा बन जाती है। इसलिए हिंदी भाषा में प्रवीणता पाने के लिए और सरलता पाने के लिए हम मुहावरे का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। तो कुछ भी हिंदी भाषा है उसमें हमें प्रवीणता लाने के लिए, सरलता लाने के लिए हमें मुहावरे का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। तो परिचय के बाद अब हम चलते हैं मुहावरे, मुहावरा हम किसे कहते हैं। मैंने कुछ दो तीन वाक्यों में लिखा है और उसके उदाहरण के साथ भी मैंने लिखा है। जब कोई शब्द या शब्द समूह अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशिष्ट और लाक्षणिक, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जब कोई शब्द या शब्द समूह अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशिष्ट और लाक्षणिक अर्थ को सूचित करता है, क्या होता है यहाँ पे कि उसका जो सामान्य अर्थ है उससे वो सरल भाषा में उसका उपयोग करता है, हम उसे क्या कहते हैं, मुहावरा कहते हैं। मैंने यहाँ पे एक उदाहरण लिया गया है जिससे आपको पता, एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है और बहुत इजी है, बहुत सरल उदाहरण है जिससे आपको पता चल जाएगा कि मुहावरा किसे कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक उदाहरण लिया है। जैसे हम हमारे शब्द मतलब हमारी जीवन में हम बोलते ही रहते हैं ना, हमारे रूटीन डेज जैसे हम बोलते हैं, जैसे एक मुहावरा है श्री गणेश करना। पता है हम कहीं पे भी जाते हैं तो ऐसे बोलते हैं ना कि हमने यह काम करने से पहले श्री गणेश कर दिया। तो श्री गणेश कर दिया यह जो शब्द है उसको हम सरल भाषा मतलब उसका मुहावरा, उसका सरल भाषा में अर्थ क्या होगा, प्रारंभ करना मतलब कुछ भी काम शुरू करना। तो श्री गणेश करने का मतलब क्या होता है, कुछ भी काम करना। जैसे एक मुहावरा है श्री गणेश करना, श्री गणेश करना और इसका अर्थ होता है प्रारंभ करना। कोई नया काम करने पर लोग काम शुरू किया ऐसा कहने के बदले श्री गणेश किया ऐसा कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, कोई काम शुरू करते हैं तो उससे पहले हम देखते हैं, हम क्या बोलते हैं, श्री गणेश करना मतलब कुछ भी काम करना, काम की शुरुआत करना। तो यहाँ पे हमने देखा मुहावरे का परिचय और मुहावरा किसे कहते हैं। अब हम जाएंगे कुछ अन्य उदाहरण की ओर। फर्स्ट, रात दिन एक करना। रात दिन एक जो है उस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, कड़ी मेहनत करना। जैसे मैं एक शब्द लेती हूँ कि विश्वास ने अपनी सफलता पाने के लिए रात दिन एक कर दिए। तो विश्वास ने क्या किया, अपनी सफलता पाने के लिए उसने बहुत कड़ी मेहनत की। तो यह था मुहावरा रात दिन एक करना, उसका मतलब कड़ी मेहनत करना। दूसरा, मन बैठ जाना। मन बैठ जाने मुहावरे का अर्थ होता है उदास होना। जैसे मैं कहती हूँ कि
श्रेया का मन, उसके परिणाम आने के बाद उसका मन बैठ गया। मन बैठ गया मतलब उदास होना, या मैं ऐसे भी ले सकती हूँ कि किसी के डांटने पर इसका मन बैठ गया मतलब उदास हो गया। थर्ड, अड़ जाना जैसे हम बोल सकते हैं ना, मतलब जिद करना, ऐसे बोल सकते हैं। उसका वाक्य मैं बनाती हूँ, यह लड़का एक ही जिद पर अड़ा, एक ही चीज पर अड़ा हुआ है। अड़ा हुआ है मतलब किसी बात को मनवाने की जिद करना। फोर्थ, नींद हराम करना। नींद हराम करना मतलब गहरी चिंता में डालना। जैसे मैं ये वाक्य ले सकती हूँ कि यह समाचार सुनने के बाद मेरी तो नींद ही हराम हो गई। नींद हराम हो गई मतलब मैं बहुत गहरी चिंता में पड़ गया। फिफ्थ, कील देना। कील देना मतलब स्थान से न हटना, वही स्थान पर रहना। सिक्स्थ, फलना फूलना। फलना फूलना जैसे हमने मुहावरा मैंने समझाया था, मैंने आपके तीसरे पाठ क्या निराश हुआ जाए में यह शब्द आया था कि जो कुछ काम नहीं करते वह क्या करते हैं, फल फूल कर बैठे हुए हैं, मतलब विकसित होना। सेवेंथ, पाला पढ़ना। पाला पढ़ना मतलब संबंध जुड़ना। नेक्स्ट एथ है ताकते रहना। ताकते रहना मतलब आश्चर्य से देखते रहना। बोलते हैं ना, ये लड़की बहुत मुझे ताक रही है। ताक रही है मतलब आश्चर्य से देख रही है। नाइन्थ, गधे को गणित सिखाना मतलब व्यर्थ प्रयास करना। जैसे हम कोई भी वाक्य ले सकते हैं कि इसको सिखाना मतलब गधे को गणित सिखाना, मतलब जो भी सिखाए वो हमेशा व्यर्थ प्रयास होगा। टेंथ, मुंह काला होना। मुंह काला होना मतलब बदनाम होना, इसने मेरा मुंह काला कर दिया मतलब बदनाम कर दिया। तो यह हमने पढ़ा हमारे मुहावरा। मुहावरा किसे कहते हैं, उसका परिचय और कुछ उदाहरण के द्वारा हमने हमारे मुहावरे पढ़े। Children, I will give you the worksheet of this all the topics so that it makes your practice more and more. इसके बाद हमने देखा हमारा तीसरा जो था शब्द समूह के लिए एक शब्द। तो विद्यार्थी मित्रों, जैसे शब्द समूह के लिए मैंने लिखा है इसमें कि शब्द समूह के लिए एक शब्द का उपयोग हम क्यों हमारे क्यों ज्ञान बढ़ाना चाहने के लिए हम करते हैं, तो हम देखते हैं कि शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है। हिंदी भाषा में कई शब्दों के जगह एक शब्द बोलकर हम भाषा को प्रभावशाली एवं आकर्षण बनाते हैं। अभी हम क्या करते हैं, कोई भी वाक्य है, जैसे मैं लेती हूँ एक उदाहरण कि दही से बनाने वाला व्यंजन, तो दही से कौन सा व्यंजन बनाता है, श्रीखंड। हम श्रीखंड को ऐसे तो नहीं बोलते ना कि दही से जो मैंने व्यंजन बनाया है वो मुझे दे दो, नहीं, हम उसे क्या कहते हैं, श्रीखंड। तो हम क्या करते हैं, जो बड़ी सी कठोर भाषा है उसको हम सरल भाषा में उसे कहते हैं, मतलब जो पूरा शब्द पूरा है उसको क्या हम करते हैं, समूह को एक शब्द में प्रकट करते हैं। तो उसके लिए क्या, उसका पूरा टॉपिक का नेम क्या है, विषय का, शब्द समूह के लिए एक शब्द। तो मैं पढ़ती हूँ, हिंदी भाषा में कई शब्दों के जगह एक शब्द बोलकर हम भाषा को प्रभावशाली एवं आकर्षण बनाते हैं। इसी प्रकार अनेक शब्दों को जगह पर एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे शब्द के जगह पर हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं। अच्छी रचना के लिए आवश्यक है कि कम से कम शब्दों में विचार प्रकट किए जाए, और यही रचना, अच्छी रचना के लिए हम क्या करते हैं, हमें कम से कम शब्द का उपयोग करने चाहिए जिसकी हमें जरूरत है। भाषा में यह सुविधा भी होनी चाहिए कि वक्ता या लेखक कम से कम शब्दों में अर्थात संक्षेप में बोलकर या लिखकर विचार अभिव्यक्त कर सके। मतलब यहाँ पे क्या है कि जो भी वाक्य है उसे क्या करना है, संक्षेप मतलब कम से कम शब्द में हमें उसे व्यक्त करना है, कम से कम शब्द और उसका अर्थ वही होना चाहिए, उसे हम कहते हैं शब्द समूह के लिए एक शब्द। उसे हमें मतलब जो लेखक या वक्ता है जो ये कर मतलब वाक्य कर रहा है उसे क्या करना है, कम से कम शब्द में उसे व्यक्त करना है। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचार प्रकट करते हैं, और शब्द समूह में क्या करते हैं, हमें कम से कम शब्दों में हमारे अधिक से अधिक विचार प्रकट करने हैं, और इसके लिए
वाक्यांश या शब्द समूह के लिए एक शब्द का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए, और इसके लिए हमें किसका ज्ञान होना चाहिए, शब्द समूह के लिए एक शब्द का ज्ञान होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारे कुछ उदाहरण, शब्द समूह के उदाहरण। फर्स्ट, रास्ता भूला हुआ। रास्ता भूला हुआ जो भी होता है उसे हम क्या कहते हैं, गुमराह। उसके लिए हम क्या शब्द यूज कर, क्या शब्द बोलते हैं, गुमराह। सेकंड, अच्छी तरह से किया हुआ। जो भी चीज अच्छी तरह से की होती है उसके लिए हम एक शब्द क्या उपयोग करते हैं, समुचित। जो भी अच्छी तरह से किया होता है उसे हम क्या कहते हैं, समुचित। फोर्थ, थर्ड, जिसके आने की तिथि निश्चय न हो। इसके लिए हम हमारे शब्द समूह का एक शब्द क्या उपयोग करते हैं, अतिथि। अतिथि वो है जिसके आने की तिथि नहीं होती है। फोर्थ, राजा के लिए बनाया हुआ महल। उसके लिए हम क्या छोटे शब्द, मतलब कम से कम शब्द का क्या उपयोग किया है, राजमहल। फिफ्थ, दही से बनाया हुआ व्यंजन, उसे क्या कहेंगे हम, श्रीखंड। जो भी चीज दही से बनाई हुई होती है उसका व्यंजन उसे क्या कहते हैं, श्रीखंड। सिक्स, स्वामी के प्रति श्रद्धा रखने वाला। जो भी स्वामी के प्रति श्रद्धा रखता है उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे, स्वामी भक्त। सेवन, जिसे चिंता न हो। जिसे चिंता नहीं होती है हम उसे क्या कहते हैं, चिंता मुक्त, मतलब इसे चिंता नहीं है। एट, पुराना टूटा हुआ मकान या इमारत, उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे, खंडर। हम बोलते हैं ना यह मकान एक खंडर मकान है, खंडर मकान मतलब पुराना टूटा हुआ मकान। नाइन्थ, मेहनत की कमाई। मेहनत की कमाई यानी मेहनत ताना। टेंथ, पूजा करने वाला। हम कहते हैं ना ये मंदिर का पुजारी है, पुजारी का मतलब पूजा करने वाला। इलेवेंथ, न्याय मांगने वाला। जो भी न्याय मांगता है उसे हम क्या बोलते हैं, फरियादी। और जो भी न्याय करता है उसे हम क्या कहते हैं, न्याय मंत्री। ये भी आप लिख लेना, न्याय मांगने वाला फरियादी होता है और जो न्याय करता है उसे हम कहते हैं न्याय मंत्री। 12, मिठाई बनाने वाला। मिठाई बनाने वाला है कि हम क्या उपयोग करते हैं उसके लिए शब्द, हलवाई। 13, जिसमें दबाया ना जा सके उसे कहते हैं अदम्य। 14, सुख देने वाला। जो भी सुख देता है उसे हम क्या कहते हैं, सुखद। 15, धर्म से डरने वाला, उसे हम क्या कहते हैं, धर्म भीरु। जो भी धर्म से डरता है उसे हम क्या कहते हैं, धर्म भीरु। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने यहाँ पे हमारे व्याकरण के तीन विषय देखे थे, जो थे विलोम शब्द, मुहावरे और शब्द समूह के लिए एक शब्द।